के नेटवर्क और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस डिजिटल इंडिया का डिजिटल चैनल। नमस्कार, मैं हूं संदीप पुंजी और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। खबरों के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने हूं। गंगीरी ब्लॉक के छर्रा में धन्यवाद वाटिका कासगंज रोड पर कायाकल्प के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जो कि खंड शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर निर्माण ज्ञानेंद्र गौतम ने कार्यशाला में उपस्थित ब्लॉक के प्रधान अध्यापक, ग्राम प्रधान व ग्राम सचिवों को प्राथमिक विद्यालय व जूनियर विद्यालय में कराए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। वह बताया कि इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार होने वाले कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर 31 मार्च 2020 तक पूरा कराया जाना है। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी गणेंद्र पाल सिंह, एआरपी रूप सिंह, दिनेश शर्मा, गोपाल गुप्ता, सुधीर लाजपत, अनिल यादव, रहीश पाल सिंह, भारत भूषण, शिव नारायण आदि उपस्थित रहे। आज यहाँ ब्लॉक गंगीरी में कायाकल्प योजना के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें क्षेत्र के सम्मानित ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव एवं सभी प्रभारी प्रधान अध्यापकों को बुलाया गया है। और इससे ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत जो कार्य विद्यालय में कराए जाने हैं उनके संबंध में आज विस्तृत रूप से जो है कार्यशाला में जानकारी दी गई है। हमारे साथ जो है श्री ज्ञानेंद्र कुमार गौतम डीसी निर्माण भी हैं, जो इस कायाकल्प योजना कार्यशाला को ट्रेनिंग देने के लिए। ऑपरेशन कायाकल्प प्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम 31 मार्च 2020 तक हमारे एसपीडी सर श्री विजयकरण आनंद जी के निर्देशन में सारे विद्यालयों अवस्थापना संबंधी सुविधाएं पूरा करने जा रहे हैं। उसी के संबंध में आज हमने सारे अध्यापक, सारे प्रधानों और सारे सचिवों को अपने मापदंड बताए कि जिन मापदंडों को उनको काम करना है और यहाँ जो माहौल है उस माहौल से समझता हूँ विकास करना जरूरी है। ये सारे काम 31 मार्च तक। तो मित्रों, अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के साथ साथ अपने आस पास की खबरों के लिए आप जुड़े रहे समाचार एक्सप्रेस के साथ। जय हिंद।